हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे साल के एक विशेष महीने के बारे में, जिसमें सारा हिंदुस्तान भगवा रंग में रंग जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सावन मंथ की। आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन और कावड़ यात्रा के बारे में। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं श्रावण के महीने के बारे में। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस साल सावन 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक रहेगा। सावन के महीने में शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं। 14 जुलाई से ही कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए भी सबसे खास महीना होता है। इस महीने शिव भक्त जी जान से भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाते हैं। सावन के महीने में माना जाता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। श्रावण भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना ही होता है। इस बार सावन के 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। सावन सोमवार का पहला व्रत 18 जुलाई को है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कावड़ यात्रा होती क्या है। सावन के महीने में शिव भक्त कावड़ यात्रा का आयोजन करते हैं। हर साल लाखों भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार, बाबा धाम झारखंड और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल भर के कावड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल जाते हैं और फिर वह गंगा जल भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। कावड़ यात्रा का मूल यही है कि गंगा जल को छोटे छोटे मटकों में भर के अपने इष्ट भगवान शिव को अर्पित करना। इस तरह शिव भक्त गंगा जल से श्रावण मंथ में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इसे ही कावड़ यात्रा कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। कावड़ यात्रा के शुरुआत के बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, पर सबसे प्रमुख है रावण की कहानी। जी हाँ, कहते हैं रावण के कारण ही कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। तो हुआ कुछ ऐसा कि समंदर मंथन के समय जब मंथन से विष निकला तो सब भयभीत हो गए कि अब इस विष का क्या किया जाए। वो विष इतना खतरनाक था कि उससे संपूर्ण ब्रह्मांड के नष्ट होने का खतरा था। तो सबकी रक्षा के लिए भगवान शिव ने वो विष पिया और अपने गले में उसे बंद कर दिया, शरीर में जाने नहीं दिया। इस कारण भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। पर उस विष का प्रभाव भगवान पर होने लगा। ये भगवान शिव की ही लीला थी ताकि कावड़ यात्रा शुरू हो सके। रावण जो कि महाशिव भक्त था, उसे भगवान का ये हालत देखी नहीं गई और उसने पूरी नियम निष्ठा से कावड़ में गंगा जल भर के कैलाश पर्वत पहुंच गया, जिसे पीने के बाद भगवान शिव को आराम मिला और कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं कि कावड़ यात्रा के रूल्स क्या होते हैं, इसके नियम क्या कहते हैं। शिव भक्त गंगा जल लाने और उसे शिवलिंग का अभिषेक करवाने तक का यह पूरा सफर पैदल और नंगे पांव करते हैं। कावड़ यात्रा शुरू करते ही कावड़ियों के लिए किसी भी प्रकार का नशा करना या सोचना वर्जित होता है। यात्रा पूरी होने तक उस व्यक्ति को मांस मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करना पड़ता है तथा इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता है। बिना स्नान किए कावड़ को हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए स्नान करने के बाद ही कावड़िये अपने कावड़ को छू सकते हैं। कावड़ ले जाने के पूरे रास्ते भर बोलबम और जय शिव शंकर का उच्चारण करना फलदायी होता है। कावड़ को अपने सिर के ऊपर से लेकर जाना भी वर्जित माना गया है। इसके साथ
कावड़ यात्रा में शुद्धता बहुत जरूरी है। तो ये सारे नियम हैं जो कावड़िए कावड़ ले जाते समय निभाते हैं या करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जानकारी हमारे पवित्र महीने श्रावण के ऊपर है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो कावड़ यात्रा के बारे में, श्रावण मंथ के बारे में, जो हमने मेंशन नहीं किया हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना ना भूले दोस्तों। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से विदा लेते समय कहती हूँ, कर्म अच्छे करते रहिए, धर्म की राह पर चलते रहिए। जय शिव शंकर।